हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 31 मई और आज की इस वीडियो में हम 31 मई से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है जो ये कवर करने वाले हैं। और कल या परसों में आप लोगों को कंप्लीट मई मंथ के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि वीकली और मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाए। तो वीकली, फर्स्ट वीकली हमारा आएगा 1 से 7 जून का, मतलब कि 1 से 7 जून के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 8 जून को प्रोवाइड करा दूंगी, वीकली चलेगा। और अब मंथली भी सीरीज आप लोगों की ये जारी रहेगी। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी ये मालूम है ना? तो हर दिन की पीडीएफ जहाँ मिलती है, टेलीग्राम में जाइए, कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कीजिए और यहाँ से हर पीडीएफ जो मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाती हूँ यहाँ से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हम रिविजन करेंगे कल के क्वेश्चन का कि मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसका जो 8वां एडिशन अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। अभी हाल ही में जो ब्रिक्स कंट्रीज के संस्कृति मंत्रियों की बैठक रही, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है मीनाक्षी लेखी ने। और भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनवर हुसैन शेख को WTO समिति का अध्यक्ष बना दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस ये कल से ही शुरू होगी, जिसका नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये अडानी हाइब्रिड एनर्जी के द्वारा शुरू किया गया है। और पहला OTT प्लेटफॉर्म जो कि केरला के द्वारा इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सवाल ये है कि 2021-22 यानी कि बीते वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो 2021 में कौन था? 2020-21 में चाइना था। तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश है जो ये अमेरिका बन गया है ना। अमेरिका और भारत के बीच में 2021-22 में जो व्यापार था ये लगभग लगभग 80 अरब डॉलर का था, जो कि अभी बढ़ करके 2021-22 में लगभग लगभग 120 अरब डॉलर, हालांकि यहाँ आंकड़े मैंने लिखे हैं 119.42 अरब डॉलर, मोटा माटी हिसाब माने तो 120 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि पहले 80 अरब डॉलर का हुआ करता था, है ना। तो अमेरिका को निर्यात भी बढ़ाया गया, जो कि अच्छी ही न्यूज़ है, क्योंकि जो अमेरिका है ना मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में ये आता है। तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए, चाइना को इसलिए भी आप पीछे छोड़ते हुए मान लें क्योंकि देखो बीते ना 2 सालों से यदि हम देखें तो भारत और चाइना के रिश्ते, मतलब कि ट्रेड की उससे देखें तो सही है, लेकिन वैसे पर्सनली हम देखें क्योंकि गलवान घाटी वाला जो मुद्दा था LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में, जिस हिसाब से भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी, तो दोनों देशों के जो राजनैतिक रिश्ते थे ये तो खराब हुए ही। इसी के बाद से आप लोगों ने सुना होगा ना, स्वदेशी अपनाओं पर काफी ज्यादा बल दिया जा रहा था और जनता में इतना ज्यादा क्रोध था कि ये मार्केट में चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने लगी थी। हालांकि बाद में IT मंत्रालय के द्वारा चाइना के 100 से अधिक एप्स को भी बैन किया गया था, है ना। तो चाइना का मतलब कि कुल मिलाकर के जो चीजें होती गई बाद में, फिर CPEC कॉरिडोर, इसका चाइना एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि भारत में जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रे होते हुए गुजर रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर के यदि हम एक जगह रखें तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो ट्रेड पर प्रभाव पड़ना ही था। और अभी हाल ही में मतलब जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद ना भारत और अमेरिका के संबंध है ये और मजबूत हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अमेरिका। अमेरिका को मैप के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी दो ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत स्काई पहल में शामिल है, सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है और एक और कंट्री जापान, ये तीन है स्काई पहल में। अब सिंगापुर, तो देखो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगापुर ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है भारत में, इसके बाद अमेरिका के स्थान आता है। तो अमेरिका की यदि मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, USA, जिसकी कैपिटल हो जाएगी Washington DC, करेंसी इसकी हो जाएगी US डॉलर। अभी जो आपका BPSC का एग्जाम हुआ था ना, हालांकि वो पेपर कैंसिल हो गया वो अलग बात है, लेकिन इस BPSC के पेपर में आपसे पूछा गया था कि अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जो बाइडन ही हो जाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट ये है भारतीय मूल की कमला हैरिस, ठीक है। एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होती है, युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, और एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम हो जाएगा वज्र प्रहार। जो अमेरिका है ये एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर है। अब
अमेरिका वैसे एशिया में नहीं आता, एशिया पावर इंडेक्स कहने का मतलब है कि एशियन कंट्रीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी का है तो ये अमेरिका का ही हो जाएगा। इसके अलावा ये हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर है, जबकि हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में भारत है 66वें स्थान पर, एशिया पावर सूचकांक में भारत रहा है 4थे स्थान पर। अभी ना ये मार्च 2022 की ही न्यूज है कि अमेरिका ने रशिया का ऑयल इंपोर्ट ये बैन कर दिया था, जिसके कारण चर्चे में आया था। अगला प्रश्न है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है नई दिल्ली में। आप लोगों को मालूम होगा ना सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल ये भी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान से शुरू हुआ है। तो इसी दिल्ली में अभी हाल ही में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो इसकी शुरुआत की गई है। इसका मेन पर्पस है जैविक खेती के महत्व को उजागर करना और इसे बढ़ावा देना। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आप इसे कह सकते हैं जैविक खेती। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि ये होता क्या है। एक चीज आप जान लीजिए कि जैविक खेती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्किम। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जैविक खेती के बारे में। एक्चुअल में ना यदि आसान शब्दों में आप समझें, जैविक खेती यानी कि जीवों पर आधारित खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि इसमें जो रासायनिक खाद होते हैं और जो कीटनाशक होती है इसका उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जो कृषि के अवशिष्ट होते हैं ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं, है ना। और जैविक खेती मतलब कि कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि हेल्थ के दृष्टि से यदि हम देखें तो काफी अच्छा रोल निभाते हैं ये। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जब इतना ही फायदा होता है जैविक खेती से, तो हम जैविक फसलों को मतलब कि जैविक खेती के तरीके से उत्पादित फसलों का उपयोग क्यों नहीं करते? देखो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, एक दो पॉइंट ही बता देती हूँ। फायदे ये हैं कि जैविक खेती करने पर जो भूमि है, जल है और वायु प्रदूषण ये बहुत कम होता है ना। कीटनाशक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो होता नहीं है। मतलब आपका जो खाना होता है जैविक खेती करने पर पौष्टिक और जहर मुक्त खाना सीधा सीधा थाली में आपके मिल जाता है। कई प्रकार के विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, है ना। ये सारा फायदा है इसका, और पर्यावरण के अनुकूल होता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को ये बढ़ावा देता है, ये फायदे हैं। तो क्या इसके कोई नुकसान हो सकते हैं? जैविक खेती के कोई नुकसान है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ना आपके एग्जाम में मान लो आप मेंस में लिख रहे हैं, कुछ एक दो पॉइंट आपको याद आ जाए तो ये एडिशनल तौर पर लिख सकते हो। कुछ नुकसान है जैसे कि इसमें खाद्य पदार्थों की उत्पादकता है ना जो ये बहुत कम होती है ना। और पारंपरिक खेती की तुलना में जो जैविक खेती है इसमें फसल की उपज कम होती है, और इसमें मशीनों के इस्तेमाल के बजाय मानव श्रम यानी कि इंसानों को ही खेत में लगना पड़ता है, मशीनों से ये काम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें समय ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैविक खेती में ना यदि हम कंपेयर करें तो समय ज्यादा लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो टमाटर या कुछ ऐसे सब्जी आती है, वैसे इंजेक्शन से या केमिकल से टमाटर को लाल किया जाता है, तो वैसे टमाटर है ना जो मार्केट में मिलते हैं वो काफी दिनों तक तो सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि जैविक खेती के माध्यम से जो टमाटर और जो फसल उत्पादित होते हैं ज्यादा दिन तक आप इसे रख नहीं सकते हैं, है ना, खराब भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे प्रमोट करने के लिए ये जो एक्सपो है, ऑर्गेनिक एक्सपो दिल्ली में शुरू हुआ है। बैंगलोर में क्या शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किया, ये संपन्न हो चुका है, जिसमें टॉप पर रही थी जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में शुरू हुआ है। जो पहला ड्रोन मिला था ना आपका, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें मिला है भारत को पहला स्थान। भारत ने टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। इटली ने 11 मेडल और पोलैंड ने 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इसका जो आयोजन है ये जर्मनी में किया गया था, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें रिलेट कर लीजिए आप लोग, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। क्लाइमेट, क्लाइमेट नहीं, साइबर सिक्योरिटी आप रिलेट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर यूएसए है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स का डिस्कशन आया है ना, तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो अभी चर्चे में था वो हमें पढ़ना है, ओलंपिक और पैरालंपिक। ये चीजें आप लोगों को रट चुकी होगी, क्योंकि मैराथन क्लास में भी इसका डिस्कशन काफी बार मैंने किया था कि ओलंपिक में भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर था, टॉप पर यूएसए थे।
जबकि पैरालंपिक में भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर था, इसमें टॉप पर चाइना हो जाएगा। यदि मैं बात करूं ISSF की, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ISSF इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा म्यूनिक जर्मनी में। व्लादिमिर लिसन ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। आप लोगों ने मनरेगा सुना होगा, मतलब ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ना अभी बहुत सारी नौकरियां गई हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, आंकड़े कहते हैं कि लगभग 13 करोड़ लोग, मतलब ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में 13 करोड़ भारतीयों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी। तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। तो शहरी बेरोजगारी ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो शहर के लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि एक साल में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मनरेगा के तहत ही काम करेगा। मनरेगा क्या है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये 100 दिन का जो शहरी रोजगार योजना है, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट 800 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं, जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी जो है ये हो जाएगी जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत हो जाएंगे। कलराज मिश्र यहाँ के हो जाएंगे राज्यपाल। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि रणथंभौर, सरिस्का, केवला देव, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान है ना जो, ये एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा हाल ही में प्रोवाइड कराया गया था। जयपुर इसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जहां भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन करके तैयार हो गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखो, अभी नई टीम शामिल हुई थी, अभी तक 8 टीमें खेलती थी ना IPL में, इस बार 2 नई टीमें शामिल हुई थी, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस। तो अभी हाल ही में जो गुजरात टाइटंस है, इसने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अभी जो फाइनल हुआ था ना, ये किसके किसके बीच हुआ था? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। तो इसमें जो गुजरात टाइटन्स था ये विजेता रही है, 7 विकेट से हराया इसने राजस्थान रॉयल्स को। इसका एडिशन था 15वां। IPL की शुरुआत ना 2008 में की गई थी, BCCI इसे रेगुलेट करता है, और 15वां एडिशन था। विजेता गुजरात टाइटंस, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स, ऑरेंज कैप यानी कि सबसे ज्यादा जिसने रन बनाए जोस बटलर, पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा जिसने विकेट लिए युजवेंद्र चहल, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर उरमान मलिक, सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। देखो, एक आवेश खान आप लोगों ने पढ़ा होगा, IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ये अनकैप्ड कैप्टन थे, अनकैप्ड खिलाड़ी। तो इनके बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस ना IPL की सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीत चुकी है। IPL का 5 खिताब ये मुंबई इंडियंस के नाम में, जबकि जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसने 4 खिताब अपने नाम किए हैं। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स से आप ये याद रखना कि ये भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाता है, 1 बिलियन पहुंचता है, वो यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल होती है। तो पहली स्पोर्ट्स कंपनी ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार ये किस राज्य में पाया गया है? तो देखो, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसने अभी हाल ही में बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया है। बिहार के जमुई जिले में इसकी पुष्टि की गई है, मतलब कि लगभग 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 220 मिलियन टन सोने के भंडार मौजूद है, ऐसा कहना है ASI का। हालांकि इस पर अभी जांच भी चल रही है। ये वही ASI है, यदि आप लोगों को याद होगा, जिसने अभी हाल ही में हरियाणा के राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी की फैक्ट्री खोजी थी। तो भाई, सोना ही सोना मिल रहा है अभी इंडिया में। तो बिहार के बारे में जानेंगे, पहले ASI के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना
1861 में की गई नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके जो पहले निदेशक थे ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वही अलेक्जेंडर कनिंघम है जो कि इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। आप यहाँ से ये भी याद रखना कि एएसआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही बनाई गई है। ये आपकी हो जाएंगी वी विद्यावती। ठीक है, अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, जहां बिहारी में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे फागू सिंह चौहान। कुछ जीआई टैग्स आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ का जरदालू आम हो गया, शाही लीची हो गई, मगही पान हो गया, कतरनी चावल हो गया। मधुबनी पेंटिंग भी ना, ये आपकी बिहार से ही रिलेटेड हो जाएगी। नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया था, यानी कि भारत का सबसे गरीब राज्य, इसमें बिहार ही ये रहा था टॉप पर। चलिए, इतना यहाँ से कवर होता है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की जो नई प्रजाति है, इसका नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। सेला ये पास का क्या है, पास यानी कि दर्रा। दर्रा आप समझते होंगे ना, मान लीजिए रास्ता है, इधर पर्वत है, ये इधर पर्वत है, पहाड़ों को बीच के मतलब काट के बनाया गया रास्ता होता है। जैसे कि आप लोगों ने एक माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन देखा होगा, पहाड़ को काट करके एक तरह का पास का ही तो निर्माण करता है रास्ते का। तो सैला पास के नाम पर एक अनोखी बंदर की प्रजाति पाई गई है। कहाँ पाई गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। ठीक है, सेला मेका के मकाका सेलाई नाम से इस प्रजाति का नाम है जो रखा गया है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिम कामेंग जिला है ना, यह फसल क्षति का ये प्रमुख कारण है। ये जो बंदर है आम बंदरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आम बंदर ना इंसानों के पास आ जाते हैं, लेकिन ये असहजता महसूस करते हैं, थोड़ी सी इनकी शारीरिक बनावट भी अलग है, जिसकी पुष्टि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ना जो, ये हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के हो जाएंगे मुख्यमंत्री, और बीडी मिश्रा ये हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल। चलिए, अरुणाचल प्रदेश का हमेशा ही हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा आज हम पास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पास यानी कि दर्रे के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं ओरली बता देती हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में आप लोगों ने काराकोरम पढ़ा होगा, बनिहाल पढ़ा होगा, बनिहाल के अलावा बुरजिल, पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में पढ़ा होगा। जो जिला भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने शिपकला, रोहतांग और बाड़ा लाचा पढ़ा होगा, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में दिफू और बोमडिला, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे याद रखेंगे, नाथुला और जेलेपला। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ने अभी हाल ही में दुनिया के 500 ऐसे सीईओ की लिस्ट जारी की है जो कि सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओ की लिस्ट में एलन मस्क ये रहे हैं टॉप पर। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी यही हैं, तो एलन मस्क टॉप पर है। इसके बाद टिम कुक, और इसके बाद ये हो जाएंगे, टिम कुक के आपके एप्पल वाले हैं, निविडिया के, फिर अच्छा एप्पल लिखा तो हुआ है, जेनसन हुआंग ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। एलन मस्क को ना अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया है। ये टेस्ला के मालिक है, इसके अलावा अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स के भी मालिक हो जाएंगे, जो कि स्टारलिंक परियोजना आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, ये इसी से रिलेटेड हो जाएगी। जेफ बेजोस, दुनिया की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, इसके ये मालिक है। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ बने, भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला ये आपके हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। वैसे मैंने आज 8 प्रश्न ही आप लोगों के लिए ऐड किए थे। मैंने आपसे पूछा था कि शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, राइट आंसर इसका यूएई था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्ष, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पसंद आया है या नहीं भी पसंद आया, तो अपने फीडबैक इसमें देना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।